The BJP MLA Ganpat Gaikwad has been arrested, and this was on attempt to murder. Those charges that have been filed against him as he shot at a Shinde Sena leader in the area of Ulhasnagar in Maharashtra. The firing took place inside a policeman's cabin, and the police are there claiming that the duo had a fight over a land dispute. We have my colleague Sunil Singh joining us to get us more on this. Sunil, this was, on the grounds on which this incident has taken place is a land dispute which ages, which dates back to about 10 years from now. Take us through the health update as far as Mahesh Gaikwad is concerned. We do know that he was shot at 5 times over. देखिए, मैं उल्लासनगर में इस समय ठीक उस पुलिस थाने के सामने हूँ, और ये वो केबिन है जिसमें कि सीनियर पीआई का अनिल गोविंद जगताप देखिए लिखाई पड़ा है, और ये इसी केबिन के अंदर वो वारदात हुई है जिसमें कि बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे गुट के जो पूर्व नगर सेवक है महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई। तकरीबन 10 राउंड गोलियाँ चली हैं, और महेश गायकवाड़ जो है कि अभी गंभीर हैं, जिन्हें कि रात में यहां से अस्पताल में ले जाया गया। बाद में चूंकि उनकी स्थिति गंभीर थी तो थाने के जुपिटर अस्पताल में उन पर सर्जरी की गई और 6 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई, ये बताया जा रहा है। मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गणपत गायकवाड़ के सहित 2 और उनके साथी, एक अंगरक्षक है जिसने भी गोली चलाई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 और लोगों की फिलहाल तलाश की जा रही है, और इस मामले की जाँच फिलहाल थाने के क्राइम ब्रांच को दे दी गई है, जो कि एसीपी स्तर के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। जो ये पूरा मुद्दा है फिलहाल वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये जो इलाका है, इसी इलाके में एक जमीन है जो कि 10 साल पहले गणपत गायकवाड़ ने खरीदी थी, और उस जमीन को वो कब्जा चाहते थे, पैसे दे चुके थे, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा था और उस पर कागजों पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा था, तो लिहाजा मामला कोर्ट में था। इसी बीच बताया जा रहा है कि महेश गायकवाड़ ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, और उसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष यहाँ पर आया था। बताया जा रहा है कि बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, अंदर जो है कि गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ थे, और उसी दौरान कुछ ऐसी बातचीत हुई जिससे कि नाराज होकर गणपत गायकवाड़ ने अपने पास जो उनके पास बंदूक थी उस बंदूक से गोलियां दागनी शुरू कर दी, और उसमें महेश गायकवाड़ बुरी तरह से घायल हो गए। उनके बाद उनके अंगरक्षक ने भी आकर गोलियां दागी, हालांकि पुलिस ने धरपकड़ की, महेश गायकवाड़ की बंदूक छीन ली, लेकिन तब तक 10 राउंड गोलियां चल चुकी थी, जिसका नतीजा यह है कि इतना बड़ा अंजाम, वारदात अंजाम हुई है पुलिस थाने के अंदर। एक सरकार में जो विधायक है, उस विधायक ने मुख्यमंत्री यानी सरकार में दूसरे पार्टी का जो सत्ता है उसके पूर्व नगर सेवक को गोलियां दागी, वो भी थाने के अंदर। तो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई है। मामले की उच्चस्तरीय जाँच का आदेश फिलहाल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है, और जाँच जो है फिलहाल क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।